God, it just won't stop. Raj, oh God, Raj, एक नई आफत आ गई है. क्यों? कुकु एंड नीरू का मानना है कि सलोनी को ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस में सू करना चाहिए. पागल है वो? मैं क्या बताऊं तुम्हें, उनका यह मानना है कि आरती की इस कार एक्सीडेंट में जान जा सकती थी. उन लोगों को इस बात का गुस्सा है कि सलोनी एक पॉलिटिशियन की बीवी है और पुलिस उसे कुछ नहीं कर सकती. एंड यू नो नीलू, जहाँ देखो झंडा लेके पहुंच जाती है. देखो रेबा, अगर तुम्हारे दोस्तों ने सलोनी के खिलाफ कोई भी केस दर्ज किया ना, तो अजीत कुमार तुम्हारे केस में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा. You have too much to lose. I know, लेकिन उन्हें कौन समझाए? जिसे देखो वो आरती और विद्या के बारे में सोच रहा है. आई नो कि उनके साथ बुरा हुआ है, लेकिन वी आर ऑल इन्वॉल्व्ड. वी हैव गॉट टू बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस. हाँ रेवा, मेरा बिजनेस भी इन्वॉल्व्ड है. तुम तो जानती हो कि अजीत कुमार ने मेरे साथ मिलकर वो इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप किया है. कल को अगर ऐसा होगा, बड़ा खुन्नसी आदमी वो अपना सपोर्ट विड्रॉ कर जाएगा. आई विल सफर ट्रेमेंडस लॉसेस. एग्जैक्टली, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं. नीलू और विद्या सुनने को तैयार ही नहीं है. नताशा ने भी कोशिश की उन्हें समझाने की. तुम एक काम करो, तुम मंजू से बात करो. मंजू से? मंजू से. विक्की भी इन्वॉल्व्ड है, उसके किटी फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व्ड है. डॉक्टर, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. मैं मंजू को फोन करती हूँ. स्टूपिड वुमन. हेलो. हेलो मंजू. मंजू सॉरी तुम्हें इतने रात गए डिस्टर्ब किया है, लेकिन तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी. देखो, इट्स समथिंग दैट कंसर्न्स ऑल ऑफ अस. मैं फोन पे नहीं बता सकती. क्या तुम इस वक्त यहाँ आ सकती हो? अभी? अच्छा, मैं आती हूँ. थैंक यू सो मच मंजू, आई रियली अप्रिशिएट दिस. अगर मुझे पता होता ना कि यहाँ आकर इतना कीचड़ उछलने वाला है, तो तुम्हें शिमला से कभी आती नहीं, वहीं रहती. All this has become so messy now. You just forget about all this, okay? और एक बात ध्यान से सुनो. तुम्हें कोई परेशान करे, तुम्हें कोई तकलीफ हो, तो तुम मुझे बताना, ओके? या वसुंधरा आंटी, जैसे शिमला में शालू है ना, वैसे मैं तुम्हारे लिए आऊँ, ओके? थैंक यू सो मच मैम. सुनो, तुम मुझे आंटी कह सकती हो, व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल. और एक और बात, तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, बस. यू हैव टू बी द नंबर वन मॉडल इन दिस कंट्री, ओके? एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद इट. और मैं देखती हूँ कौन तुम्हें रोकता है. यू ट्रस्ट मी? एब्सोल्युटली. यू नो, यू आर सो स्वीट. काश मंजू आंटी आपके जैसी होती. शी इज सो डैम हार्टलेस. आई जस्ट हेट दैट वुमन. आई जस्ट हेट हर. नीलू, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है. क्या हुआ? आरती तो ठीक है ना? उसको अब और क्या होगा? शी इज़ वेयर शी इज़. ये मुद्दा अभी और मेरा है. एवरीवन नोज ही इज़ चीटिंग ऑन मी. हाँ विद्या, पता है मुझे, लेकिन अभी मुझे डिवोर्स चाहिए, जल्द से जल्द. तुम मेरी मदद करोगी ना? करोगी ना? मैं ऐसे आदमी की बीवी नहीं बनकर रहना चाहती जिसे ना मेरी और ना मेरे बच्चों की परवाह है, जिसने हमें दगा दिया. I want a divorce, Neelu, right now. Vidya, listen, I can understand your desperation. और divorce papers file करने में तो दो दिन भी नहीं लगेंगे. It's no big deal. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन हालात में तुम्हें ये decision लेना चाहिए. I don't think it's the right time. Why not? इस शादी का अब कोई मतलब नहीं रह गया. Where's the point in carrying on? Okay, Vidya, मैं कर दूँगी papers file. Okay? Okay. Thanks. तुम्हें पता है रेवा ने क्या डिसाइड किया? नहीं, क्या? कि वो सलोनी कुमार के अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं लेगी. पर क्यों? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसकी लापरवाही की वजह से आरती मरते मरते बची है. क्या रेवा ये सब नहीं जानती? वो जानती है, और वो ये भी जानती है कि अजीत कुमार की वजह से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. दैट्स व्हाई. व्हाट? इतने छोटे दिल की है रेवा? आरती की ये हालत, हमारी दोस्ती, ये सब उसके लिए कुछ नहीं? यही लगता है. पता नहीं क्या वंशपूरी, क्या प्रॉब्लम्स है उसकी, वही जाने. एंड आई थॉट शी वॉज अ फ्रेंड इन नीड. नहीं, मैं भूल गई कि असल में रेवा का कोई वजूद नहीं. और अब उसने साबित कर दिया, मेरी बेटी
हमारे इतने साल की किटी, ये सब कुछ नहीं उसके लिए, सिर्फ उसका सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। कितने पेटी है ये लोग। यही लगता है। कह रही थी कि शी डजंट केयर अगर इसकी वजह से हमारी किटी स्प्लिट हो जाए, कि हम लोग दो में बंट जाए। वाह रे वाह, वाह क्या दोस्ती निभाई। ऐसी दोस्त से तो ना होना ही अच्छा। सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड वुमन, डैम हर। सो रिया, इट वाज क्वाइट नाइस। हेलो, क्या बात है, आप दोनों इतने सीरियस क्यों हैं? क्या हुआ मामा? मैंने तय कर लिया है, अब हम लोग यहां नहीं रहेंगे, तू भी नहीं। क्या? बहुत देख लिया ये शहर और इसकी ये तड़क भड़क, इसके झूठे वादे इरादे सब देख लिया। तू अंदर जाके अपना सामान बांधना शुरू कर दे बेटा, हम सुबह की गाड़ी से ही वापस शिमला जा रहे हैं। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि मैं तुझे कह रही हूं, इसलिए। गलती की जो तुझे यहां आने दिया, ये मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया में तुझे काम करने दिया। देख देख, हम छोटे शहर के लोग हैं, सीधे साधे हैं, ये दुनिया हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है हम यहां नहीं रहेंगे। और एक बात जो ठान लिया सो ठान लिया। देख, तुझे काम ही करना है ना, तो कहीं और जाके कर लेना, पर इस शहर में नहीं, इस शहर में नहीं। तब तक हम अपने शिमला की छोटी सी दुनिया में सुकून से आराम से रहेंगे। तो अंदर जाके अपना सामान बांधना शुरू करते बस। नहीं मां, आपको जाना है तो आप जाइए। क्या? मैं यहीं रहूंगी। हाँ माँ, मैं यहाँ अपना भविष्य बनाने आई, अपनी किस्मत आजमाने आई हूँ। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, और फिर मैम भी तो है मेरे साथ। लेकिन अब मैं तुझे कह रही हूँ, वापस चल। तो मेरा कहना नहीं मानेगी? आप ही ने तो सिखाया है ना माँ, कि अपने इरादों पर अटल रहना चाहिए, हमें हमेशा आगे देखना चाहिए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, सपने पूरे होंगे माँ। लेकिन अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं, क्योंकि मैं ये सफर शुरू कर चुकी हूँ माँ। अभी तो बहुत रास्ता तय करना बाकी है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ना बाकी है, बहुत। मैम का सपोर्ट है मेरे साथ, आप दोनों के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूंगी माँ, बहुत आगे बढ़ूंगी। आई विल बी द नंबर वन मॉडल। आर्ग्यूमेंट अच्छा है, काफी अच्छी वजह है तुम्हारी रेवा, पर जैसे विद्या को आरती की, तुम्हें अपनी और टीना को प्रतीक की फिक्र है ना, उस तरह मुझे भी विकी की फिक्र है। इसलिए मैं चाहती हूं कि सलोनी की अगेंस्ट केस दर्ज किया जाए, ताकि मेरे विकी पे केयरलेस और ड्रंक ड्राइविंग का इल्जाम ना रहे। वो बेचारा क्यों किसी और की सजा भुगते, क्यों किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले। मंजू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन एक बार मेरे बारे में सोचो। तुम जानती हो कि अजीत कुमार ने डब्बू के बैंक्रप्सी केस में पर्सनल बैंक गारंटी दी हुई है। अगर सलोनी के अगेंस्ट केस दर्ज किया गया तो वो गारंटी विड्रॉ कर लेगा, एंड आई विल बी फिनिश्ड, आई विल बी ऑन द रोड्स मंजू। और अगर सलोनी एक्सपोज नहीं हुई, अगर उसकी गलती पुलिस के सामने नहीं लाई गई, तो क्या ये सही होगा कि विकी के सर पे इस इल्जाम का बोझ जिंदगी भर तक रहे? एंड ही शुड बी कॉल्ड अ किलर ऑन द रोड, और आरती की इस हालत का उसे जिम्मेदार ठहराया जाए? इज दैट फेयर रेवा? इज दैट फेयर? ओ कम ऑन मंजू, कौन कहता है कि विकी जिम्मेदार है? वी ऑल नो दैट ही इज इनोसेंट। अरे दुनिया वाले जो कहते हैं उन्हें कहने दो, दोज हु मैटर नो, एंड दैट्स ऑल दैट्स इंपॉर्टेंट। रेवा ठीक कह रही है मंजू, जितने मुंह है उतनी बातें होंगी, दुनिया की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मनु, अपने बेटे की हक की बजाय दूसरों की, पराए लोगों की चिंता कर रहे हो? आई कांट बिलीव दैट। तुम कहां की बात कहां कर रही हो मंजू? विकी मेरा बेटा है, मुझे उसकी चिंता है, उसकी फिक्र है,
मैं उसकी हिफाजत करता आया हूँ, हमेशा करता रहूंगा। He's my child. I'll always protect him. लेकिन कुछ और भी बातें हैं मंजू, जिसकी चिंता करनी पड़ती है। मैं जानती हूँ तुम्हें किस चीज की चिंता है, रेवा। हाँ, मुझे है रेवा की चिंता, और क्यों ना हो। लेकिन साथ साथ में मुझे अपने बिजनेस की भी चिंता है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कहने से टीना के देवर को बचाने के लिए मैंने अजीत कुमार के साथ उस इंडस्ट्रियल सेटअप में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। 10 करोड़ मंजू, 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। आज अगर तुम लोग ये केस दर्ज करते हो ना, जानती हो क्या होगा? अजीत कुमार अपना इन्वेस्टमेंट और अपना सपोर्ट वापस ले लेगा। अब मेरा बिजनेस, इट्स ऑल ओवर, इट्स फिनिश्ड, इट्स गॉन। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ा रहूं, करो केस दर्ज, करो, गो अहेड। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, इस सब के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर सोचो। सलोनी कुमार के अगेंस्ट केस दर्ज करने के बारे में मुझे अभी फिर से सोचना पड़ेगा। मंजू, क्या सोचना पड़ेगा? वी हैव नो अदर ऑप्शन। हम सलोनी और अजीत कुमार को कुछ नहीं कर सकते, वी कांट टच देम। केस ना ही दर्ज करें, इसी में हम सबकी भलाई है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, मेरा ख्याल है हम सबको मिलके पूरी किटी की मीटिंग बुलानी चाहिए। हमेशा की तरह हम सबको मिलके ये फैसला करना पड़ेगा। आई थिंक वी विल नीड टू वोट ऑन दिस। आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। बताओ क्या बात है? मुझे नौकरी मिल गई है। सच? हाँ। कहाँ? एक बहुत बड़ी आईटी फर्म है, इन्होंने मेरा सीवी नेट पे देख लिया और मुझे बुला लिया। ये तो वाकई में कमाल की न्यूज़ है। कांग्रेट्स। थैंक यू सो मच। और पता है सैलरी भी बहुत अच्छी है। तुम तो जानती हो इस वक्त घर में पैसों का क्या हाल है। ऐसे समय पे नौकरी, इट्स अ ब्लेसिंग यार। घर पे सभी बहुत खुश होंगे ना? हाँ, खुश तो होंगे, लेकिन इस सब का क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। मुझे? ऑफ कोर्स तुम्हें। अरे भाई, अगर तुमने मुझे पुश नहीं किया होता तो मैं कभी अपना सीवी नेट पे रजिस्टर ही नहीं करवाता। प्रतीक, तुम भी ना। और जानती हो तानिया, मैं यहां आते आते सोच रहा था कि तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। तुम्हारे साथ मैं कितनी सारी बातें कर सकता हूं, कितना कुछ शेयर कर सकता हूं। यू सच अ डार्लिंग यार, इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। सेम हियर। और हम हमेशा इसे ऐसा ही रखेंगे। ऑलवेज। तानिया, दीदी, आप प्रतीक को तो जानती हैं। नमस्ते। नमस्ते। बताइए दीदी, प्रतीक को एक बहुत अच्छी नौकरी मिली है आईटी फर्म में। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तानिया, आई थिंक आई शुड लीव। दीदी, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, रुको ना, चाय कॉफी कुछ पी के जाना। नहीं, आई जस्ट ड्रॉप बाय टू गिव द न्यूज। अभी तो घर पे भी बताना है, मैं फिर कभी आऊंगा। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूँ। ओके, बाय बाय। ओके, मैं कल फोन करता हूँ। बाय बाय। रिया, रिया, मैं तेरे से एक बात कह सकती हूँ? बेटा, क्यों तड़प तड़प के यहाँ रहना है? तो क्यों अपने आप को सजा दे रही है यहाँ रहकर?
तो अपनी माँ की बात सुनना क्यों नहीं चाहती? क्या अब मैं तेरे से कुछ नहीं रही? हाँ, क्यों जिद कर रही है यहाँ रहने के लिए? इस बदनामी में और इस अफवाहों के बीच अम्मा, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा करियर है जो मुझे यहाँ रोक रहा है, और एक तरफ आप है। आपकी बात मेरे समझ में आ रही है माँ, लेकिन मैं यहाँ रहकर कुछ बनना चाहती हूँ, अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ किसी की बेटी नहीं हूँ माँ, नाजायज हुआ तो क्या हुआ, मैं भी एक इंसान हूँ, काबिल हूँ। हाँ बेटा, तू तो बड़ी होनहार बच्ची है, बड़ी काबिल बच्ची है, मैं जानती हूँ, पर तू मेरी बात भी तो समझ। इतने सालों तक हमने ये राज तेरे से क्यों छुपा के रखा? इसकी भी तो कोई वजह होगी ना। हम चाहते थे कि तू बड़े आराम से रहे, ये सब हंगामों से बची रहे, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरा बचपन अच्छे से बीते जैसे बाकी बच्चों का बीतता है। और अब क्या? अकलमंदी इसी में है कि अब इन सब के बीच से तू बाहर निकला। क्यों आए दिन तू उन्हीं लोगों से अपने अतीत से रोज सामना करना चाहती है? हाँ, क्यों अपने आप को दुख दे रही है तू? मेरी बात मान, वापस चल, लौट चल। अपनी माँ की बात नहीं मानना चाहती है तू? हाँ, शिमला की शांत दुनिया में नहीं रहना चाहती है तू? क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। What do I do? हर जगह पे कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा, कहाँ रहूं, क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। मैं तो सोच सोच के थक गई, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँ। तो चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैम, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब क्या बात है? मैम, मैंने मम्मी की बात काफी ध्यान से सुनी, बहुत सोचा उसके बारे में, और मुझे ऐसा लगता है मुझे वही करना चाहिए जो मम्मी चाहती है। शिमला वापस चले जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है और उसके रहते मैं बीच में कहीं नहीं जा सकती, लेकिन आप तो सारी सिचुएशन जानती है, मंजू आंटी के पास्ट के बारे में, मेरे प्रेजेंट के बारे में। यू आर द बेस्ट जज ऑफ द सिचुएशन, आप मेरी मदद करेगी ना? प्लीज मुझे मम्मी पापा के साथ जाने दीजिए, आई वॉन्ट टू गो बैक टू शिमला, प्लीज। अरे ये कैसे हो सकता है, रिया चली गई तो मेरा ये नाटक अधूरा रह जाएगा, मेरी हीरोइन को मैं कैसे जाने दूं? मगर यहाँ ऐसा क्या है जो उसे रोक कर रखेगा? सुंदरा, कुछ तो करना पड़ेगा।